Brought to you by Candid Dusting Powder. Candid Dusting Powder. Redness, irritation, sweat rash और fungal infection जैसे चार skin problems का एक expert solution. अब रहो unstoppable. Candid Dusting Powder के साथ. राहुल जी, समाजवादी पार्टी के खेमे को लेके मैं जिस तरह से अखिलेश यादव फ्रंट रो में हैं, वो अवधेश प्रसाद को सबको आगे कर रहे हैं, उनकी भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है. अखिलेश और समाजवादी पार्टी को लग रहा है कि अब वो यूपी में भी अब सत्ता की स्ट्राइकिंग डिस्टेंस पे हैं. देखिए, एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस आया है. देखिए, मैंने अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के पॉलिटिक्स से काफी पहले से देख रहा हूं. एक समय था जब 2008 में न्यूक्लियर डील को लेकर के लेफ्ट पार्टीज, जो कि 61 सीटों करीब थी और 43-44 सीटें तो सीपीएम अकेले की थी, और वो जिसको आज भी कहा जाता है कि इट वाज अ ब्लंडर बाय द सेंट्रल कमेटी की उन्होंने डिसाइड किया कि सपोर्ट विद्रॉ, क्योंकि कहते हैं कि प्रकाश कारा, कॉम्रेड प्रकाश कारा जो थे सीपीएम के जनरल सेक्रेटरी, वो कॉपी बुक कम्युनिस्ट थे और वो उस प्रैग्मेटिज्म की तरफ नहीं गए, जबकि सीताराम येचुरी ने हैड ब्रोकर्ड अ डील विद द कांग्रेस पार्टी कि किस तरह से मूवमेंट होगी 1-2-3 एग्रीमेंट और न्यूक्लियर डील पे. तो कहीं पे उस समय पर मुलायम सिंह यादव को जो एमिनेंस मिली थी, समाजवादी पार्टी को 39 के करीब उनकी सीटें थी और वो एक बड़े फोर्स की तरह उभरे थे. अमर सिंह, मुझे अच्छी तरह याद है कि रात में अमर सिंह को हम फॉलो करने का मतलब होता था कि कौन सी मिनिस्ट्री में समाजवादी पार्टी क्या चाहती है, किस बिल पे क्या चेंजेस हो या किसका कहां अपॉइंटमेंट, तो अमर सिंह की एक पोजिशन हुआ करती थी. उसमें हम लोग रात रात बाद अमर सिंह जी के साथ भी पीछे दौड़ा करते थे. बहुत दिनों बाद समाजवादी पार्टी, वो जो एक 2012 में स्टेट में समाजवादी पार्टी को प्रोमिनेंस मिली, मगर उसके लिए प्रॉब्लम ये थी कि उस समय पे अखिलेश यादव भले ही एक मेजॉरिटी लेकर के अच्छी सरकार, अच्छे नंबर्स लेकर के सरकार सत्ता में आए थे उत्तर प्रदेश में, मगर ही वॉज फेसिंग प्रॉब्लम एट द सेंटर. अखिलेश यादव की प्रॉब्लम ये थी कि कांग्रेस जो थी वो दोस्त दुश्मन थी, दैट फ्रेंडमी थिंग. उसमें क्या होता था कि उनके खिलाफ केसेस चल रहे थे सीबीआई के, सुप्रीम कोर्ट में रोज सीबीआई हलफनामे बदल देती थी कि आज समर्थन चाहिए तो कह दो इनोसेंट है, आज हलफ समर्थन नहीं चाहिए, उनकी टांग उमेट नहीं है तो उनके खिलाफ कह दो कि ये गिल्टी हैं. यानी अनोखा केस है कि इतने साल केस सुनने के बाद जो जज साहब थे सुप्रीम कोर्ट के, वो ऑर्डर रिजर्व करके रिटायर हो गए, मामला फिर से सुनवाई हुई. सो द समाजवादी पार्टी वॉज केप्ट ऑन द टेंटर हुक्स. तो बहुत दोस्ती नहीं थी उस टाइम पे. कांग्रेस भी जाकर के आरोप लगाती थी रायबरेली अमेठी में, चूंकि यहां पे हमारी सरकार नहीं है इसलिए हमारे इलाके में विकास नहीं होता. तो वो एक दौर था. अखिलेश डिड वेल इन द असेंबली इलेक्शन, 111 के करीब सीटें उनकी आई. बीजेपी को बैकफुट पे आना पड़ा. ईस्टर्न यूपी का एक बड़ा बड़ा हिस्सा ऐसा है जहां पे बीजेपी को एक सीट या शून्य सीट मिली है बहुत जिलों में. तो अखिलेश इज ऑन द हाई इन द स्टेट असेंबली इलेक्शन. ऑल्सो लोकसभा में रिजल्ट आए हैं. क्या है, बहुत दिनों बाद 12 साल के बाद अखिलेश यादव का कोई दांव जो है वो सही हुआ है. एंड आई थिंक दैट फिल्स अ यंग लीडर विद लॉट ऑफ एंटीसिपेशन फॉर द फ्यूचर. ही वॉन्ट्स द अलायंस टू वर्क. वो कांग्रेस पार्टी के साथ अलायंस को बढ़ते, क्योंकि अगर आप देखें तो इस अलायंस का एक फायदा और हुआ है कि बसपा जो कि एक वोट की को कंट्रोल करती थी, अगर वो बसपा से छिटकता था वोट उनका तो वो बीजेपी के पास जाता था, और एक दलित वोटर के अंदर एक कॉन्स्टेंट परसेप्शन था कि सपा के साथ नहीं जाएंगे. ये पहली बार ये परसेप्शन डिसमेंटल हुआ और वोट मिला. आई थिंक अखिलेश विल लाइक टू बिल्ड ऑन दिस सिचुएशन कि अगर कांग्रेस की प्रेजेंस से कुछ फायदा होता है, इस अलायंस से उसे फायदा होता है, तो डेफिनेटली आई थिंक द समाजवादी पार्टी इज वेरी अपबीट. बट द प्रॉब्लम इज कि लोकसभा चुनावों की जो एंगर थी उस पे बहुत सारे लोग कहते हैं कि द समाजवादी पार्टी एंड कांग्रेस हैव डन वेरी वेल, बहुत अच्छा उनका रिजल्ट रहा है मेरा. लेकिन अभी भी मैं इसमें ये कहता हूं कि ये बहुत बड़ा वोट जो था वो नरेंद्र मोदी की सरकार, एनडीए सरकार और बीजेपी सरकार उसके खिलाफ वोट गया है. और अगर आने वाले पीरियड में अगर बीजेपी इसको थोड़ा सा संभालती है, डैमेज कंट्रोल करती है, तो अखिलेश यादव को भी उस एक्सरसाइज को मेंटेन करना पड़ेगा जिसने उन्हें बेनिफिट किया है. दैट इज व्हाई इसमें कोई हनीमून पीरियड या रेस्टिंग पीरियड के चांसेस अखिलेश यादव के लिए नहीं. जी, बहुत शुक्रिया राहुल जी.